हेलो एवरीवन। सो आज बहुत स्पेशल दिन है, क्यों? क्योंकि आज है मेरा न्यू ईयर का पहला ब्लॉग एंड हमारे सेशन का आखिरी क्लास, नया साल का पहला क्लास बट मेरा नया साल का पहला क्लास और अंतिम भी, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास जो मेरा रिकॉर्ड है, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट क्लास करता हूँ। फर्स्ट क्लास नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट क्लास करते हैं। सॉरी। और वो भी इसलिए जा रहे क्योंकि मेरा अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? एंड फ्रॉम आफ्टर टू डेज वी हैव आवर टर्मिनल एग्जाम्स एंड वी हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। बारा, डू यू वांट टू से एनीथिंग? भाई मेरे को कुछ नहीं कहना है। भाई क्या तुम्हारा मोए मोए हो गया क्या? पूरा मोए मोए हो गया भाई। पाप याद आ रहे हैं। पाप जो सेकेंड ईयर में जो हमने पाप किए थे वो सारे चीज़ हमें आज देखने मिलेंगे। दो महीना का पाप है, दो महीने का पाप। दो महीना श्राप था भाई, वो पाप नहीं था। दो महीना हम लोग को सिंडाई से गुजरना पड़ा है। पैथो प्रैक्टिकल बट पूरा क्लास ही खाली है अभी। ये हम लोग का क्लास का पूरा सेशन का आखिरी क्लास होने वाला है आज। एंड हम लोग का प्लान था कि कोई क्लास नहीं आएगा, बट हम लोग हैं सातिर बच्चे, हम लोग का अटेंडेंस कम है। सो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्लास आ जाएंगे आज। सम ऑफ द स्पेसिमेंस आर हियर्स, यही सब स्पेसिमेंस हम लोग एग्जाम में रखा जाता है एंड पूछा जाता है। पैथोलॉजी में स्लाइड्स एंड स्पेसिमेन। सिंसियर बच्चे भी प्रेजेंट है। अबे साला कुछ सिंसियर नहीं, इसके बाद तो कुछ मत आना, ठीक है? इसके बाद तो इसके पास आईपैड हो, इसके पास सब्सक्रिप्शन हो, जो टॉपर हो भाई, तो वीडियो देखना भी होता है भाई, पढ़ना होता है उसके लिए। वही तो गाड़ी अंदर टू मेनी ब्लॉगर्स इन आवर कैंपस। सो फाइनली हम लोग का छुट्टी हो गया है। हम लोग क्लास था 2 बजे और छुट्टी दे दिया 2:30 बजे, है ना। आधे घंटे क्लास था, बस अटेंडेंस लेने गया था, अटेंडेंस मिल गया हम लोग को। बस एमबीबीएस में बस यही तो रोना धोना अटेंडेंस का। वैसे जो बोलो, आज मौसम बहुत सुहाना है। ये आज मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, और ये भी इंजॉय कर रहा है आज का मौसम। और हम भी कुछ नहीं, अभी जाके मस्त कम्बल ओढ़ के सो जाएंगे। एग्जाम है, देखा जाएगा, बाद की बात है। सोना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो आई एम बैक टू माई ओन रूम। आप देख सकते हैं कि मेरा रूम है, ठीक है, उतना साफ सुथरा नहीं है, बट जैसे भी मेरा रूम है। विद दैट नॉट, ये साल का आखिरी क्लास था एंड हमारे सेशन का भी आखिरी क्लास था, दैट इज द लास्ट क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। और ये मेरा पहला क्लास था, ऑफकोर्स ये मेरा पहला क्लास था इन द ईयर 2024, पर ये लास्ट क्लास था। सेकेंड ईयर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला यार। वो सीनियर्स हमेशा सही बोलते हैं कि सेकेंड ईयर जो है वो जो है हनीमून पीरियड होता है एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। हमारा फर्स्ट प्रॉप ख़त्म हुआ, सेकेंड प्रॉप स्टार्ट हम लोग का हुआ था बाय द एंड ऑफ मार्च। एंड अगर हम लोग मार्च में बस 1 वीक की क्लास हुआ था, उसके बाद अगर हम लोग काउंट करें तो सिर्फ मार्च से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में तो क्लास ही नहीं हुआ, छोड़ो हटाओ। टोटल 8 महीने का ड्यूरेशन था हमारा सेकंड ईयर का, जिसमें से कि 2 महीने का तो हम लोग का सिंडाई में पार हो गया। सिंडाई मतलब कुछ ऐसे घटनाएं हो गई थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कॉलेज में, जिसकी वजह से पूरा कॉलेज बंद था 2 महीनों के लिए। तो सेकंड ईयर यार पूरा हम लोग का मतलब हवा में पार हो गया, ठीक है। और एकेडमिक्स की बात ही मत करो यार, मैंने जो है एक्साइटमेंट में मैंने रॉबिन्स लिया हुआ था, कैडिटी लिया हुआ था, बट बहुत सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने रॉबिन्स को हाथ तक नहीं लगाया। वैसे मेरा बुक एकदम नया का नया पड़ा हुआ है, कैडिटी का कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ा था बट वो भी एकदम नया है।
सो यार सेकंड ईयर पूरा रोलर कोस्टर जैसा था, मतलब इतने महीने हमने मजे किए, ठीक है, मजे से ज़्यादा हमने छुट्टियां मारी यार, बहुत ज़्यादा छुट्टियां मारी हमने। अब देखो, अब हम लोग का थर्ड टर्म का एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में, आज हो गया 6 जनवरी, 9th से हमारा टर्मिनल एग्जाम है, थर्ड टर्म एग्जाम है, उसमें सही से पास करके उसके बाद हम लोग का होगा फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, मतलब कि अब सिर्फ 2 महीना बचा रह गया है फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, उसके बाद हम लोग फिर थर्ड ईयर की ओर प्रस्थान करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो। एज अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मैंने अभी तक ये जाना है कि एमबीबीएस स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो हमेशा रोते रहते हैं, ठीक है, रोते रहते हैं अटेंडेंस के लिए, रोते रहते हैं सिलेबस के लिए और एग्जाम के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए रोते रहते हैं हमेशा, ठीक है। मैं भी रोया हूँ, हर कोई रोता है, और यही तो है रियल एमबीबीएस की ज़िंदगी, जिसमें जो हम जो है एक एक अटेंडेंस के लिए तरसते हैं, ठीक है। 75% अटेंडेंस अगर हुआ तो हम एग्जाम के लिए सेंटअप होंगे, 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो हम सेंटअप नहीं होंगे, ठीक है। फिर पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्जाम से पहले हमारा हालत ख़राब, इतना इतना मोटा मोटा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग। बट इन सब चीजों को भी जो कंप्लीट कर ले, इन सब चीजों से भी जो उभर कर आए, वही तो है एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यस, वी आर इंजॉइंग आवर मेडिकल एजुकेशन, वी आर इंजॉइंग एमबीबीएस। सो दिस वाज इट गाइस, दिस वाज द लास्ट ब्लॉग ऑफ सेकंड ईयर एकेडमिक वाइज। अभी तो और सारे ब्लॉग आने बाकी हैं, एग्जाम्स के ब्लॉग मैं डालूंगा, अभी एग्जाम प्रिपरेशन के ब्लॉग डालूंगा, सरस्वती पूजा होने को है उसका ब्लॉग डालूंगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा। बट दिस वॉज द लास्ट ब्लॉग ऑफ माई सेकेंड ईयर एकेडमिकली, एंड इट वॉज माई लास्ट क्लास, एंड होपफुली वी विल मीट इन द न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, सी यू, टाटा बाय बाय।